बहुत दिलचस्प है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत, और उससे ज्यादा दिलचस्प है यहाँ के मुख्यमंत्रियों के किस्से। हैरत की बात ये कि जब नेता अपनी जमीन छोड़कर आसमानी हो जाते हैं तो पब्लिक उनकी राजनीतिक जमीन को उनके पैरों तले से खींच लेती है। इसके अलावा कोई मुख्यमंत्री तो बनता है लेकिन 258 दिन से ज्यादा का सुख नहीं भोग पाता। कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना वक्त नहीं पा पाता कि शपथ ग्रहण में फटे हुए कुर्ते की जगह कोई नया कुर्ता पहनकर जा सके। ऐसी ही दिलचस्प अनसुनी अनकही दास्तान का नाम है मैं मुख्यमंत्री। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरू करते हैं स्पेशल शो मैं मुख्यमंत्री। तो आखिरकार घूम ही गया मध्य प्रदेश की सियासत का पहिया और एक साध्वी ने राजा साहब के किले को ढहा कर रख दिया, उमा भारती। हालांकि ये जो सत्ता की खुशी थी ये रही सिर्फ 258 दिन। साध्वी ने फील्डिंग टाइट की लेकिन वो दोबारा सत्ता में आ नहीं सकी। धारा प्रवाह प्रवचन। 11 साल की किशोरी सामने, राजमाता सिंधिया। छात्रा के बारे में शिक्षक बोले वो भगवान है, उसे कैसे पढ़ाएं। काल के जानकारों ने मानो पढ़ लिया हो कि ये किशोरी न सिर्फ सनातन धर्म ध्वजा उठाएगी बल्कि मध्य प्रदेश और देश की राजनीति की धुरी बन जाएगी। इस किशोरी को सुनकर ऐसा लगता था कि ये प्रवचन नहीं सृजन हो। राजमाता विजया राजे सिंधिया ने इसे भांप लिया था। राजमाता की निकटता ने मानो साध्वी के सियासी भविष्य का खाका खींच दिया। भाजपा की सदस्यता और 25 साल की उम्र में साल 1984 में पहला लोकसभा चुनाव खजुराहो से जहां हार मिली, हालांकि 1989 में इसी सीट को जीतकर भी दिखाया। 3 मई 1959 को टीकमगढ़ के डुंडा में जन्मी उमा लोधी का जलवा ऐसा कि कम उम्र में भजन भागवत कथा और रामायण कंठस्थ होने के चलते आसपास के लोग और शिक्षक उन्हें भगवान का अवतार मानते। स्कूल पहुंची तो शिक्षक बोले भगवान को कौन पढ़ा सकता है। लेकिन धीरे धीरे उमा भारती राजनीति की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। शुरुआत 1989 में इसी खजुराहो लोकसभा में जीत के साथ हुई। वो राम मंदिर के लिए संघर्ष का दौर था और लोग जिन दो महिला संतों के भाषण सुनते थे उनमें साध्वी रितंभरा और उमा भारती थी। राम मंदिर तो नहीं बन पाया लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिर गई। साथ ही गिर गई एमपी में बीजेपी की पटवा सरकार भी और नई सरकार बनी दिग्विजय की, उमा के दादा भाई दिग्विजय। एमपी बीजेपी की गुटबाजी पर सवार दिग्विजय दूसरी बार भी सरकार बनाने में कामयाब रहे। 2003 में दिग्गी के अश्वमेध को रोकने की जिम्मेदारी मिली उमा भारती को। 2002 में अटल सरकार में कैबिनेट मंत्री उमा भारती से कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी लें, लेकिन इससे इनकार करते हुए अपने पसंद के कैलाश जोशी को अध्यक्ष और बाबूलाल गौर को बनवा दिया नेता प्रतिपक्ष और कप्तान सिंह सोलंकी बनाए गए संगठन मंत्री। चुनाव से कुछ महीने पहले अटल ने उमा के नाम का ऐलान कर दिया। इसके बाद अपनों द्वारा लगाई जा रही आग भी ठंडी पड़ गई। विकास के साथ आक्रामक हिंदुत्व के मुद्दे पर सवार साध्वी ने ऐसा कुछ किया कि कांग्रेस का किला ढहा, कमल खिला और दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस 38 पर सिमट गई। भाजपा ने 173 सीटें जीती, दिग्विजय सिंह को नाम मिला बंटाधार। जिस वक्त नतीजे आए उमा भारती सतना के मैहर में पूजा कर रही थी। करीब शाम 5:30 बजे वो हेलीकॉप्टर से भोपाल में लाल परेड मैदान पहुंची। 8 दिसंबर 2003 को गवर्नर राम प्रकाश गुप्ता ने उमा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई। मुख्यमंत्री बनते ही उमा भारती ने फैसले की झड़ी लगा दी। पहली कैबिनेट में ही 28,000 दैनिक वेतन भोगियों को परमानेंट करने का आदेश, 14 लाख बच्चों को पका हुआ खाना देने की योजना, अफसरों पर लगाम लगाई। कैबिनेट मीटिंग के फैसले लीक हुए तो अफसरों को मीटिंग से बाहर रखा जाने लगा। श्यामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री आवास में जनता दरबार शुरू हुआ जहां हालात बेकाबू होते चले गए, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। राम
रिकॉर्ड बनाने वाली साध्वी और कांग्रेस को ढहाने वाली साध्वी का एक पुराना रिकॉर्ड उनकी मुसीबत बन गया। मुख्यमंत्री बनने के करीब 8 महीने यानी 258 दिन बाद उमा भारती को इस्तीफा देना पड़ा। साल 1955 के एक आंदोलन के मामले में आखिरकार गैर जमानती वारंट जारी हो गया। कर्नाटक के हुबली के विवादित ईदगाह में जाकर जबरदस्ती तिरंगा फहराने के मामले में जेल जाने की नौबत आ गई। अफसरों की लापरवाही भारती पर भारी पड़ी। उमा को लगा था तिरंगे के नाम पर कुर्बानी उनका कद बढ़ा देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजनीति की गलियों में किस्सा ये भी चटखारे लेकर सुनाया जाता है कि पद छोड़ने के बाद उमा भारती ने गौर को 21 देवी देवताओं और गंगा जल की कसम दी थी। वादा लिया था कि जब उमा कहेंगी गौर इस्तीफा दे देंगे, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। गंगा और तिरंगा की सियासत करने वाली साध्वी मध्य प्रदेश की सियासत का वो नाम है जिन्हें आज भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सियासी गलियारे की दीदी जानती हैं कि पत्थर किस दुकान पर चलेगा और हल्ला कहां कहां मचेगा। गौर युग अभी बाकी है, बने रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।